हाजी तस्लीम साहब पूर्व विधायक, दो टर्म विधायक रहे हैं, वो भी माननीय अध्यक्ष जी ज्वाइन कराएंगे। वीरेंद्र जी, वीरेंद्र ठाकुर जी जिनका बड़ा नाम है हरिद्वार से, वो ज्वाइन कर रहे हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी वीरेंद्र ठाकुर जी को ज्वाइन करा रहे हैं। सबका ताली बजाकर स्वागत कीजिए कांग्रेस परिवार में। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे हरिद्वार के लोकसभा प्रत्याशी वीरेंद्र रावत जी आए और अपने विचारों से हम सब लोगों को यहाँ संबोधित करें। माता की वंदे, वंदे कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी। आज रुड़की के इस मैदान में हमारी एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी जी, पीसीसी प्रेसिडेंट अरुण मेहरा जी, हरीश रावत जी, प्रीतम सिंह जी, हमारे तमाम विधायकगण, हमारे तमाम पूर्व विधायकगण, हमारे डीसीसी जो पहले दिन चल रहे थे वो भी ये नहीं ला पाए। आज हर चेहरे पर यही एक बात है। मैं 14 की 14 विधानसभा में घूम चुका हूँ और हर जगह यही बात, हर व्यक्ति के चेहरे पर यही बात नजर आ रही है। यही हर व्यक्ति यही बात कह रहा है, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। और ये बीते हुए दिन लौटा सकती है, राहुल गांधी जी लौटा सकते हैं, प्रियंका गांधी जी लौटा सकती है। धन्यवाद वीरेंद्र रावत जी, जिसका हमको इंतजार था। आदरणीय प्रियंका गांधी जी आज हमारे बीच में रुड़की में पधारी है। किसान, नौजवान, इस देश की महिलाओं ने झेला है।
उसका डेट पहले से लिखा होगा, जिस दिन एग्जाम होगा उसका डेट, जिस दिन रिजल्ट आएगा उसका डेट। और अगर ईमानदार किसी अधिकारी ने करने की कोशिश की तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपके प्रदेश में बहुत पलायन होता है, मैं भी रामनगर में थी, वहां पे कह रही थी, दिल्ली में उत्तराखंडी लोग बहुत हैं जो दिल्ली में काम कर रहे हैं और विदेश में भी, और वो इसलिए पलायन करके वहां जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे रोजगार नहीं मिल रहा है। वहां मुश्किलों और संघर्ष का जीवन है, अपने पूरे परिवार को कोई ला पाता है, कोई नहीं ला पाता, किसी को अपने परिवार को छोड़ के वहां जाना पड़ता है, साल में मात्र एक दो बार घर आने को मिलता है, घर आने को मिलता भी है तो मुश्किलों का सामना करना पड़ता है क्योंकि यहाँ बहुत संघर्ष है। तो पलायन को रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उत्तराखंड में जो पर्यटन की स्कीम्स है और जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो स्कीम्स है वो बनाए जाए, और हम चाहते हैं कि यहाँ की खेती को मजबूत किया जाए। तो यहाँ पे जो बंजर वादियां हैं उनमें क्लस्टर फार्मिंग के लिए हम इंतजाम कराना चाहते हैं, और यहाँ के जो जमीन के जो कानून है उनको मजबूत बनाना चाहते हैं। तो जैसे हिमाचल प्रदेश के आपके ऐसा प्रदेश है, पहाड़ों का इलाका है, वहाँ पे क्लस्टर फार्मिंग के जरिए आजकल हल्दी सेब मशरूम वहाँ उगाया जाता है और वहाँ से आयात निर्यात किया जाता है। तो उसी तरह से हम यहाँ कराना चाहते हैं, यहाँ पे जो आपके जमीन के कानून है वो कमजोर किए गए। और अगर आप कह रहे हैं कि जो केंद्र की सरकार है उनकी जो तमाम नीतियाँ आपके बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों के फायदे के लिए बनाई जाती है, तो ये भी एक किस तरह की नीति है कि आपके कानून कमजोर करके वो जो आपकी जमीनें हैं वो बाहर के लोगों को बिके और बड़े बड़े उद्योगपतियों को बिके ताकि फिर उन्हीं का फायदा हो। तो हम चाहते हैं कि आपके जो खुद के यहाँ के कानून को मजबूत बनाए। किसान की सम्मान निधि की बड़ी बात करते हैं बीजेपी के नेता, कांग्रेस ये नहीं चाहती कि आपको सिर्फ सरकार की तरफ से थोड़ा बहुत पैसा मिले, हम चाहते हैं कि आप अपने पैरों पे खड़े हो, जो मिल रहा है वो अच्छा है वो भी मिले, लेकिन सबसे जरूरी ये है कि आप खुद अपनी कमाई कर पाए, यहाँ के जो किसान है अपने पैरों पे खड़े हो पाए, और जो जितना मेहनत कर रहे हैं अपना खून पसीना बहा रहे हैं उसकी जो कीमत है उनको मिले कि वो अपना जीवन मजबूत बना पाए, अपना भविष्य मजबूत बना पाए। Yeah.
मोदी जी ने क्या किया, सेब के सारे कोल्ड स्टोरेज अडानी जी को दे दिए। अडानी जी के पास सारे कोल्ड स्टोरेज हो गए तो बताओ सेब का दाम तय कौन करेगा? अडानी जी तो सेब का दाम तय करेंगे बड़े उद्योगपति, किसान क्या करेगा? किसान को तो मिलता ही नहीं है सही दाम। तो ये चल रहा है इस देश में। आप इन बातों को अगर ठीक ढंग से नहीं समझेंगे तो आप इसी तरह से आगे के 5 साल निकालेंगे जिस तरह से आपके पिछले 10 साल निकले। आप तो टीवी पे और इस पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिखाई जाती है, देखते हैं ना बड़े बड़े देश के दूसरे अलग अलग देशों के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तारीफ कर रहे हैं मोदी जी की, कह रहे हैं कि देश बहुत आगे बढ़ रहा है। गर्व होता है ये सब सुनने से? क्या आपको लगता है कि हमें नहीं होता? हमें नहीं होता है, हम भी खुश होते हैं कि हमारे देश की तारीफ हो रही है, लेकिन हम असलियत को नहीं भूल रहे हैं। असलियत ये है कि आप देश की जनता हो और आपका जीवन संघर्षों से भरा हुआ है, आप महंगाई का सामना कर नहीं पा रहे हो, किसान ऋण के दलदल में फंसा हुआ है, ये भी सच्चाई है। इस सच्चाई को नकारा क्यों जा रहा है? लेकिन तैयारी में गाड़ी लग गई। ये सच्चाई आपको टीवी पे क्यों नहीं दिखती? होते हैं और अच्छे पंडित जी भी होते हैं जो घर पर बाहर रहते हैं, जो घर पूजा करने आते हैं अपने घर तो आपको समझा पाते हैं, आपको बोलते हैं कि देखो ऐसा है कि इस श्लोक का मतलब ये है कि अपना जीवन सादगी से जियो, ये धर्म